अच्छा भगवान ने 16108 विवाह क्यों किए? 16109 भी तो कर सकते थे, 16110 भी तो कर सकते थे, या 15000 करते। 16108 ही क्यों विवाह हुए भगवान के? 15000 विवाह हो जाते, 15108, 14108, या 20108, या 50108, 16108 क्यों? क्या गणित बैठ रहा है ये? 16000 वेद की ऋचाएं हैं, बोलो हां। 16000 वेद की, 108 उपनिषद हैं। ये उपनिषद और वेद की ऋचाएं क्या कहना चाहती हैं? ऋचाएं मतलब मंत्र, ऋचाएं मतलब जैसे मंत्र है, एक मंत्र है। अब जैसे मैं सामान्य भाषा में आपको समझाऊं, एक मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, एक ये मंत्र हो गया। एक हो गया श्री राम जय राम, ये दो मंत्र हो गए। एक तीसरा मंत्र है राधे कृष्ण, एक चौथा मंत्र है सीताराम, एक पांचवा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक छठा मंत्र है राम जी का बीज मंत्र ओम राम, है ना? वो मंत्र बोला नहीं जाता बीज मंत्र, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं उसको, बोला नहीं जाता बीज मंत्र ना, बोले नहीं जाते, अंदर रखे जाते। जैसे एक मंत्र है गायत्री मंत्र, एक मंत्र है, अब ऐसे दस पांच, एक मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब देखो ये सब मंत्र है ना, ये सब आप लोगों को पता है। अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा मंत्र है जिसके जपने से भगवान की प्राप्ति होती है? जब इतने सारे मंत्र हैं तो कौन सा मंत्र जपें कि भगवत प्राप्ति हो, आप बताओ। हाँ श्रीमन्नारायण ये वाला मंत्र ठीक है, कौन सा मंत्र जपे मैया के भगवान की प्राप्ति हो? कृष्ण मंत्र जपे राधे कृष्ण, आप बताओ हरे कृष्ण। अब देखो जब मंत्र इतने हैं तो कंफ्यूजन भी इतनी होगी कि भाई जपे क्या। अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि भगवान की 16108 पत्नियों का मतलब ही ये है। क्या मतलब है? कि आप कोई भी मंत्र जपो, जैसे बिहारी जी तो एक हैं, लेकिन बिहारी जी तक जाने के रास्ते बहुत हैं। इस गली से भी बिहारी जी जाया जा सकता, उस गली से भी, उस गली से, लंदन से भी, आप भारत आइए दिल्ली से फिर ये रास्ता आइए, आप बंगाल के हैं, आप गुजरात के हैं, आप बिहार के हैं, आप झारखंड, कहीं से भी आप बिहारी जी तक आ सकते हैं, कहीं से भी आप अयोध्या जी पहुँच सकते हैं। तो मंजिल एक है, पर मंजिल तक पहुँचने के रास्ते, आप इस रास्ते से आए, वो उस रास्ते से आए, वो उस रास्ते से आए, वो उस रास्ते, लेकिन प्रत्येक रास्ते का अंत है बिहारी जी। उसी तरह भगवान तक पहुंचने के 16108 रास्ते हैं। तो आप किसी भी एक रास्ते को पकड़ लीजिए, कोई राम राम पकड़ ले, कोई कृष्ण कृष्ण पकड़ ले, कोई हरे कृष्ण पकड़ ले, जो आपने पकड़ा उसमें विश्वास श्रद्धा रखिए, वही मंत्र आपको भगवान तक पहुंचाएगा। क्योंकि 16108 पत्नियों का मतलब है कि आपकी यदि 16108 पत्नियां हैं तो कोई भी पत्नी कृष्ण से, अच्छा बताओ भगवान की जो 16108 पत्नियां हैं उनमें से जो 14000वें नंबर की पत्नी है, 14105वें नंबर की जो पत्नी है, वो पत्नी से आपकी यदि दोस्ती है तो वो आपको कृष्ण तक पहुंचा सकती है कि नहीं? और 15000 के 846वें नंबर की पत्नी भगवान तक पहुंचा सकती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भैया 16108 हैं तो कोई भी पत्नी आप किसी भी के चरण पकड़ लो कि माँ मुझे मिला दो, तो वो मिला देंगे। बोलो हाँ या ना। हर पत्नी सामर्थ्य रखती है ना अपने पति से मिलाने की, बोलो हाँ या ना, उसका अपना पावर। उसी तरह कोई भी मंत्र जपो, वो मंत्र ये पावर रखता है कि वो आपको भगवान तक पहुंचा दे, भगवान से मिला दे। इसलिए जो मंत्र गुरुजी देते हैं उस मंत्र में पूरी श्रद्धा आस्था रखना चाहिए और उसी मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि वही मंत्र आपको परमेश्वर तक पहुंचाएगा, जो गुरु चरणों से प्राप्त हुआ है, गुरु जी ने प्रदान किया है। हाँ या ना। तो ये मेरी माँ 16108 पत्नियों का ये रहस्य है। पत्नियां मतलब स्त्रियां नहीं, ये कोई स्त्रियां नहीं, वेद की ऋचाएं हैं, सब गोपी स्त्री बनकर प्रकट हुई। जैसे गंगा
माँ है, पर वो एक स्त्री के रूप में प्रकट है जिन्होंने भीष्म पितामह जैसे महापुरुष को जन्म दिया, गंगा जी। तो गंगा जैसे देखो हनुमान जी बंदर हैं, तो क्या हनुमान जी बंदर हैं? बंदर नहीं है, बंदर का रूप है बंदर। गंगा पानी नहीं है, गंगा नदी नहीं है, नदी का रूप है। हाँ या ना? जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। जामवंत कोई ऋक्षराज नहीं है, वो ऋक्षराज के रूप में है। हाँ या ना? नारायण स्त्री नहीं है, पर स्त्री मोहिनी के रूप में है। कछुआ नहीं है, पर कच्छप के रूप में है। मछली नहीं है, पर मत्स्य के रूप में है। उसी प्रकार ये 16108 स्त्रियां नहीं, ये वेद की ऋचाएं हैं, स्त्रियों के रूप में हैं। रूप में है पर है नहीं। जैसे हनुमान जी बंदर के रूप में हैं, पर क्या हनुमान जी बंदर हैं? बोलो भाई, बात समझ में आ गई? हमारे प्रभु रूप लेते, अनेक रूप रूपाय वैष्णवे प्रभु वैष्णवे, रूप अनेक हैं, वो लीला के लिए रूप हैं। उसी तरह 16108 पत्नियां ये भगवान की पत्नियों के रूप में वेद की ऋचाएं ही हैं, मंत्र हैं। किसी भी मंत्र को पकड़ो पार। तो भगवान के टोटल विवाह कितने हुए? 16108।